और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, रजनीकांत माहेश्वरी पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष ब्रज भाजपा, साकेत मिश्रा, वहीं नाम है लालजी प्रसाद का भी, ताकिर मंसूरी का भी नाम इसमें है। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, जानकारी दीजिएगा, 6 नामों के प्रस्ताव जो कि राज्यपाल को भेज दिए गए हैं, इसमें अधिक जानकारी क्या आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित जो ये लिस्ट है, जिसको लोग कयास लगा रहे थे कि किसके नाम होंगे, कुछ पदाधिकारी होंगे, कुछ नेता ऐसे होंगे, कुछ समाजसेवी होंगे, बहुत सारे ऐसे नाम थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोर्सेज से खबर आ रही है कि गवर्नर के पास, आनंदीबेन पटेल के पास 6 लोगों के नाम भेजे हैं जो मनोनीत लिस्ट है एमएलसी की। उसमें जो नाम उभर कर आ रहे हैं उसमें रजनीकांत माहेश्वरी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज भाजपा के, और साकेत मिश्रा, ये एक चौंकाने वाला नाम है, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं, और नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रहे, यूपी में भी कैबिनेट जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, उनके प्रमुख सचिव रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अभी अध्यक्ष हैं वो नृपेंद्र मिश्रा, उनके पुत्र हैं साकेत मिश्रा, उनको उनके नाम पर रजामंदी मुख्यमंत्री ने दी है, उनका नाम भेजा है। लालजी प्रसाद निर्मल अम्बेडकर महासभा चलाते हैं, दलित नेता हैं, उनके नाम को भी भेजा है, और एक मुस्लिम चेहरा तारिक मंसूरी वाइस चांसलर एएमयू, उनके नाम को भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूरी के नाम को भी भेजा है। राम सुभद राजभर अधिवक्ता हैं, वकील हैं आजमगढ़ के, बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक भी है। हंसराज विश्वकर्मा भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, काशी यानी बनारस के, वाराणसी के, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, ये काफी दिनों से दिल्ली लखनऊ के चक्कर भी लगा रहे थे। और वीरेश, काफी महत्वपूर्ण नाम इनमें शामिल है, बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थनगर से बड़ौदा के एटीएम में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में आग लग गई है। सूचना मिलते ही बैंक के ज्वाइंट मैनेजर मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इधर सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन मुख्य विकास अधिकारी आवास के पास बड़ौदा बैंक का ये एटीएम है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने के पीछे की वजह। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में अचानक से यह आग लग गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उन्हें सूचना दी गई इस बात की, टीम वहां पर मौजूद है और आग पर काबू भी पा लिया गया है। बताया जा रहा है इसके पीछे शॉर्ट सर्किट, इसके वजह से आग लगी है। मुख्य विकास अधिकारी आवास के पास बड़ौदा बैंक का ये एटीएम, जहां पर अचानक से आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, मौके पर टीम पहुंची और आग पर काबू भी पा लिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन मुख्य विकास अधिकारी आवास के पास बड़ौदा बैंक का ये एटीएम है, जिसमें अचानक से आग लग गई और इसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी जाती है, आसपास के लोगों ने मिलकर के आग पर काबू पाया। और अब खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां दबंगों ने पीजी से निकालकर एक युवक को पीटा है, पीजी केएल टेकर को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है, घायल युवक को ऑटो से ले जाकर रास्ते में भी फेंका गया। मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हो गई ये मारपीट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का मामला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में यहां जुट चुकी है, घायल युवक को ऑटो से ले जाकर रास्ते में फेंक दिया गया है दबंगों की तरफ से, पीजी से बाहर निकाल करके युवक को पीटा गया है दबंगों की तरफ से, पीजी के केयर टेकर ये बताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर नोएडा से ही, ओयो होटल में महिला की हत्या कर दी गई है, चुजारसी ओयो होटल में महिला का शव मिला है, प्रेमी प्रेमिका की हत्या का आरोप, प्रेमी पर दरअसल प्रेमिका की हत्या का आरोप यहां पर लगा है। आरोप है कि कासुनी के दौरान प्रेमी सोनू ने प्रेमिका की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के सेक्टर 63 में ओयो होटल है, जहां पर एक महिला की हत्या यहां कर दी गई है, कहा जा रहा है कि आसुनी के दौरान प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या यहां पर कर दी। नोएडा पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इस बीच अंबेडकर नगर से खबर सामने आ रही है, जहां जल निगम की लापरवाही से सड़क धस चुकी है, तिवारीपुर से मिझौड़ा मार्ग पर यह सड़क धसी है, जल निगम की पाइप फटे से सड़क बीच में धस गई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क ठीक करने में जुटे हुए हैं, सड़क के नीचे पाइपलाइन डाली गई थी, तस्वीरें भी इसके सामने आई है। जल निगम की पाइप फटने से सड़क बीच में ही यहां पर धस गई है, ये बड़ी लापरवाही, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क ठीक करने में फिलहाल जुटे हुए हैं, तो जिस तरीके से वहां पर सड़क धसी है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है।
जल निगम की लापरवाही से बताया जा रहा यहां पर यह सड़क धसी है। और अब खबर आज सामने आ रही है बिजनौर से, जहां गुलदार ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। मां ने गुलदार के जबड़े से अपने बेटे को बचाया। मां के साथ जंगल में मासूम गया हुआ था। थाना हमीदपुर दीपा के रहरा इलाके का यह पूरा मामला, गुलदार की मौजूदगी में दहशत में पूरे ग्रामीण यहां पर बताए जा रहे हैं। मासूम पर हमला कर दिया गया गुलदार की तरफ से। मां के साथ ये मासूम जंगल में गया था, उसी वक्त ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुलदार ने मासूम पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत, ग्रामीण यहां पर दहशत में है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गुलदार जिसके बाद दिखने के बाद अब पूरे इलाके में दहशत अब देखी जा रही है। ग्रामीण डरे हुए हैं क्योंकि एक मासूम पर हमला कर दिया गया। मासूम उस वक्त अपनी मां के साथ जंगल गया हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।